आम आदमी पार्टी की आज दूसरे दिन की समीक्षा बैठक है। 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उस पर किस तरीके के परिणाम आए हैं, उस पर बात करने के लिए यूपी प्रभारी संजय जी हमारे साथ हैं। सर, लगातार समीक्षा चल रही है, किस तरीके के परिणाम आ रहे हैं, किस तरीके के रुझान दिखे? देखिए, कल की बैठक में एक सामूहिक रूप से ये तय किया गया कि अभी हम लोग अपने संगठन को और मजबूत करेंगे। कहीं ना कहीं हमारा संगठन अभी उस स्थिति में नहीं था कि हम चुनाव जीतने में सफल हो पाए, तो ये बड़ी कमी हम लोगों ने आकलन किया कल की समीक्षा बैठक में। और आज सभी प्रत्याशी यहाँ पर आए हैं जो चुनाव लड़ चुके हैं, उनका भी फीडबैक लेंगे और उसके आधार पर आगे अब हम सारे लोग पूरी ताकत से एक मजबूत संगठन के निर्माण में जुटेंगे, खास तौर से नगरीय इलाकों में, क्योंकि नगरीय इलाकों का चुनाव, स्थानीय निकाय का, नगरों का चुनाव होने वाला है, नगर पालिका परिषद, नगर निगम, नगर पंचायतों का, तो उस पर पार्टी को फोकस करना है और उसकी तैयारी में अब हम लोग जुटेंगे, पूरी मेहनत करेंगे। मैं एक चीज़ ये ज़रूर कह सकता हूँ कि एक मुख्य विपक्षी दल के रूप में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में स्थापित हो गई है। तमाम जनता के बुनियादी मुद्दों को हम लोगों ने 2 साल में उठाया है, उस पर लड़ाई भी लड़ी है, मुकदमे भी हुए हैं, और इस चुनाव में लड़के कम से कम आम आदमी पार्टी का झंडा, बैनर, हमारी बातें, हमारी योजनाएं दूर दूर तक पहुंची हैं। और अब पंजाब में भी, दिल्ली के केजरीवाल मॉडल के बाद अब पंजाब में भी जिस तरीके से भगवंत मान जी काम कर रहे हैं, ये दोनों कार्य हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। दोनों राज्य सरकारों के, खासतौर से दिल्ली और पंजाब के, जो जनहित में हम लोग फैसले ले रहे हैं और काम कर रहे हैं, ये हम सब के लिए उत्तर प्रदेश में भी एक नई ऊर्जा का कारण बनेंगे। एक सवाल ये कि अभी तमाम प्रत्याशियों का दर्द निकल करके सामने आ रहा था कि उन्हें समर्थन जिस तरीके से दिख रहा था, वोट कहीं 400, कहीं 500, कहीं 800, उस पर बुरा मानने की ज़रूरत नहीं। हम तो पहले भी कह रहे थे कि भाई, उत्तर प्रदेश की राजनीति जाति और धर्म के जंजाल में जकड़ी हुई है, उसको निकालने में थोड़ा समय लगेगा, ये तो हम लोग मान के चल रहे थे। एक बड़ी चुनौती को हमने स्वीकार किया है, जिस प्रदेश की राजनीति जाति और धर्म में उलझी हुई है, उस प्रदेश में आप एक शिक्षा के, स्वास्थ्य के, बिजली के, पानी के, रोजगार के, कानून व्यवस्था के, नए उद्योग लगाने के, किसान को फसल का दाम देने के मॉडल की चर्चा कर रहे हैं। हमारा मॉडल बुरा नहीं है, हमारे प्रत्याशी भी बुरे नहीं थे, बहुत अच्छे कैंडिडेट्स हमने दिए, लेकिन ये बात समझने में शायद अभी थोड़ा समय लगेगा उत्तर प्रदेश के लोगों को, इसलिए हम उसके लिए तैयार हैं, नहीं ना कहीं से निराश हैं, ना कहीं से हताश हैं, जमकर काम करेंगे और मेहनत करेंगे। हम ये मानते हैं कि हमसे कहीं मेहनत में थोड़ी बहुत कोर कसर कमी रहेगी होगी, और अच्छे से काम करेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आम आदमी पार्टी के प्रभारी संजय सिंह जी का साफ तौर पे कहना है, जमकर लड़े हैं, पूरे प्रयास से लड़े हैं और आगे भी जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे। कैंपस में गिरीश कांटवाल के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ।